गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आपकी आज जो मैं आपको एक टिप्स वास्तु टिप्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप जो आपके घर के अंदर जो मेन ड्राइंग होता है वो चाहे कोई भी जोन में हो, ईशान जोन में हो या नैऋत्य जोन में हो या अग्नि जोन में हो, कहीं पे भी आपके वास्तु के अंदर कोई भी क्षेत्र के अंदर आपका ड्राइंग रूम है, वहाँ की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए और आपके जीवन के अंदर नए नए सुअवसर प्रदान करने के लिए हम ऐसा कौन सी वास्तु की पिक्चर लगा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मार्केट में कहीं पे भी जाओगे, कोई भी डिजिटल स्टूडियो में, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रिंट्स मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें मिलेगी जिससे आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़े। आज मैं वो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो उत्तर सूरज की जो अभी हमारे लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी कोई भी प्रिंट, ऐसी कोई भी पिक्चर आप मार्केट से कलेक्ट कीजिए या ऐसा कोई भी ऐसा एक सनराइज होता है उसकी एक फ़ोटो खुद क्लिक करके आपके घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर ईस्ट जोन में, ईस्ट पूर्व क्षेत्र के अंदर या ईस्ट जोन में इसको आप लगा सकते हो, जिससे पॉजिटिविटी आपके घर की बढ़ेगी और घर के कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा उसका तोड़फोड़ बिना वास्तु निवारण होगा, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। किसी की भी सोच नेगेटिव होती है, वो सोच कब नेगेटिव बनती है, जब उसके घर का वास्तु इतना डिस्टर्ब होता है, तो वो वास्तु जो है उसका डिस्टर्ब है। तो ये प्रिंट, ये पिक्चर, ये फ्रेम्स उगते सूरज की लगाने से हमें सकारात्मक सोच मिलती है, हमारे घर के अंदर सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, जिससे हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें कभी नेगेटिव नहीं सोचते और ज़िंदगी के अंदर हम जितना भी पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारे जीवन में बिजनेस हेतु, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर हर तरह से फायदा होगा। यानी कि ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें चंद रुपया लगा के, यानी कुछ छोटा बड़ा खर्चा करके आप खुद इतना इतना बड़ा वास्तु दोष आपके घर से निकाल सकते हो। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। यूं ही उगते सूरज को जल चढ़ाना हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया, उसका एक रीज़न है कि उगते सूरज को जब हम जल चढ़ाते हैं तो वास्तु संबंधित दोष, ग्रह संबंधित दोष, कुंडली में कोई भी दोष होते वो दोष दूर हो जाते हैं। आज ये जो मैं एक प्रैक्टिकल आपको करने जा रहा हूँ, अभी हम इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे इसकी ये उगते सूरज के सानिध्य में, तो इससे हमें कितनी पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। तो यही चीज़ अगर आपके घर के अंदर हो, ये मोमेंट, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।